जो यूट्यूबर यूट्यूब से रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो अपने एथिक्स को तो ना पार करें। बॉस, बिकनी पहनना, स्विमिंग सूट पहनना वल्गैरिटी नहीं है, अश्लीलता नहीं है। बिकनी और अंडरगारमेंट्स में फ़र्क को समझो। बाकी बचा कुचा गोवा को एक तो यूट्यूबर बहुत तेज़ी से बदनाम कर रहे हैं, बहुत ख़राब कर रहे हैं, गलत गलत थंबनेल लगा करके। गोवा में कोई परचून की दुकान पर ड्रग्स नहीं बिकती है, गोवा को लोगों ने पता नहीं ड्रग्स का अड्डा समझा दिया। हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर तक है, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में। और वो इस तरीके से अपना पोज बनाएगा कि किसी तरीके से वो उस फोटो में आ जाए, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई कोई फॉरनर उस फोटो में आ जाए, फिर अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वहाँ जा करके और झूठ बड़ा चला के बोलोगे। फिर आपके इस झूठ की वजह से चार लड़के और सोचेंगे अब हम भी गोवा जाएंगे ऐश करने। किसी की बहन बेटी अगर स्विमर बनना चाहती तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तो स्विमिंग करेगी। गोवा एक ऐसा एरिया है, स्टेट है जहाँ पर रेड लाइट एरिया नहीं है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बहुत सारी जगहों पर होगा, पर गोवा के अंदर रेड लाइट एरिया नहीं है कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर, मतलब यूट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ। मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही यूट्यूबर नहीं होता, यूट्यूबर एक डेजिग्नेशन, एक रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन है, तो शायद मैं अभी उसको अचीव कर नहीं पाया हूँ पूरी तरीके से। पर मैं उन लोगों के लिए ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ जो लोग अपने आप को यूट्यूबर कहते हुए ये हरकतें करते हैं या बहुत सारे लोग उसके उनके वीडियो देखते हैं। देखो क्या है कि मैं गोवा में साल भर से रह रहा हूँ। ये टी शर्ट आपने देखी होगी, इसको हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, टी शर्ट पे लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर राइड इन गोवा। जब मैं यहाँ आया था तो मोहल्ले में जंगल कट रहे थे, मतलब कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था कि वहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी है ये सब, तो वो वाइल्ड सेंचुरी ख़राब हो रही थी वहाँ की और उसका काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो मैंने उस समय 1000 किलोमीटर राइड गोवा में साइकिल चला के लोगों से इस बारे में बात करी, अवेयर किया, लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी मिला उसमें। क्यों ऐसा किया मैंने, नेचर के प्रति तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही हूँ और रखना ही चाहिए, ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट तो है कि मुझे ताज़ी हवा चाहिए, पर मेरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना। तो जो यूट्यूबर यूट्यूब से रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो अपने एथिक्स को तो ना पार करें। आपने देखा है उन लोगों ने गोवा को बदनाम करने की कितनी कोशिश कर रही है। गोवा में थंबनेल, गोवा के वीडियो आप सर्च करना, उसमें आप देखो थंबनेल पे क्या दिखाते हैं। थंबनेल में आपको रशियन बीच को प्रमोट करेंगे, रशियन बीच, गोवा के बीच, अब फलाना बीच, ये बीच, वो बीच बताएंगे, और बीच के ऊपर पूरी उनकी कोशिश रहेगी जाने अनजाने में कोई फॉरनर बिकनी पहने हुए या स्विमिंग सूट जो होता है बीच वियर वो पहने हुए की स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दे, और बहुत सारी भीड़ उस फोटो को देख के धड़ाधड़ क्लिक करती है। देखो थोड़ा बहुत जेन्युइन क्लिकबेट चलता है कि आपने अपने ही सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के लिख दिया ताकि थोड़ा सा आकर्षित लगे, जिज्ञासा पैदा हो। पर आप गोवा के अंदर एक बिकनी का थंबनेल बना के क्या महसूस करवाना चाह रहे हो लोगों को कि गोवा में क्या चल रहा है, यहाँ पे मतलब क्या चल रहा है। वो आएंगे, वो लोग वो ठगा हुआ महसूस करेंगे, आपको दो गालियाँ उड़ देंगे। बॉस, बिकनी पहनना, स्विमिंग सूट पहनना वल्गैरिटी नहीं है, अश्लीलता नहीं है। वो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, वो बीच वियर है, वो बीच पे अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो, बीच पे आप नहाने जा रहे हो, तो वहाँ की ड्रेस है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। बिकनी एक ड्रेस है, उसको ड्रेस के नज़रिए से देखो, उसको एक लो आईक्यू लेवल के नज़रिए से मत देखो कि वो क्या पहन लिया। बिकनी और अंडरगारमेंट्स में फ़र्क को समझो। यही वजह है कि ये फॉरनर्स नॉर्थ इंडिया में कम और गोवा और ऐसे कुछ ब्रॉड माइंडेड स्टेट्स के अंदर ज़्यादा सेफ महसूस करते और आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको निगाहें कम घूरती हैं। गोवा के अंदर, मुंबई के अंदर और भी साउथ में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे मैंने देखा है कोई भी लड़की, कोई भी औरत, कोई भी कपड़े पहने किसी भी तरीके से चले जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको कपड़ों से जज ही नहीं करते। इक्के दुक्के केस हो सकते हैं, देखो कोई हर जगह पे पूरी तरह कोई 100% सही नहीं होता है, पर मोस्टली एक इन जनरल वे में बात करें तो। पर आप सोचो कि यही
फॉरनर्स अगर उस साइड में जाएं, यहाँ पे आप ना हम मतलब कभी भी कभी हम लोग बीच पे जाके ऐसे बैठते हैं, हम देखते हैं चार पांच लड़के हैं आ गए कहीं से भी, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, और नॉर्थ इंडिया में बार बार बोलता हूँ, नॉर्थ इंडिया का मतलब सिर्फ 100% नॉर्थ इंडिया नहीं है, 80% 70% नॉर्थ इंडिया ले लो, 20-30% आप कहीं के भी किसी भी स्टेट को आप गिन सकते हो, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वो क्या करेंगे, वो देख करके उन्होंने चीज़ें मूवीज़ में देखी हैं, उनको मालूम ही नहीं कि अरे यार ये बीच वियर है, ये बीच की ड्रेस है, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम एक ड्रेस है, वो उसको इस तरीके से, फिर वो एक को बोलेगा फ़ोटो खींचना, वो फ़ोटो खींचेगा और वो इस तरीके से अपना पोज बनाएगा कि किसी तरीके से वो उस फ़ोटो में आ जाए, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई कोई फॉरनर उस फ़ोटो में आ जाए, और वो उस फ़ोटो में आ जाएगी, फिर वो वहाँ जा करके अपने गाँव में अपने शहर में अपने दोस्तों में डिंगे हाँकेगा, झूठी हवाबाजी करेगा, बड़ा बड़ा करके उसको बताएगा अरे वहाँ तो ये खुला हो रहा है, ये खुला हो रहा है, कहीं कुछ खुला नहीं हो रहा है, किसी भी फॉरनर भी चले जाओ, सन बाथ लेना उनका शौक होता है, उनकी ज़रूरत होती है। दूसरा, बीच पे अगर कोई जाएगा तो साड़ी पहन के तो कोई बीच पे नहाएगा नहीं, है ना, हर जगह की ड्रेस होती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अगर कोई किसी की बहन बेटी अगर स्विमर बनना चाहती तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तो स्विमिंग करेगी, या आप उसको सूट सलवार पहना के स्विमिंग करवाओगे, अब वहाँ पे आपको दिख ही वही रहा है, तो एक ड्रेस को एक ड्रेस के नज़रिए से देखना चाहिए। अब बात आ रही है कि ये तो मैंने बोला कि जो लोग यहाँ पे आते हैं या तो वो थंबनेल को देख के क्लिक करते हैं, अब मैं उन यूट्यूबर्स को बोल रहा हूँ कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति, अपने व्यूअर्स के प्रति। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे मैच्योर यूट्यूबर्स को देखा है जो बीच पे जाने के बाद जानबूझ करके ऐसी चीज़ें शूट करते हैं कि वो वीडियो में दिखे, स्टार्टिंग में ट्रेलर में लगाते हैं या थंबनेल के ऊपर लगाते हैं रशियन बीच, अरे क्या लिखा होता है न्यूड बीच, कुछ नहीं है, आरंबोल भी गया हूँ मैं, मोरजिम भी गया हूँ मैं, मैंने सारे वीडियो डाले हैं, वहाँ पे इंडियंस भी घूम रहे हैं, फॉरनर्स भी घूम रहे हैं, बीचेस के किनारे मैट पे लेट करके सन बाथ लेना, रेत पे लेटे रहना, वो उनका कल्चर है, उसको हम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, यूट्यूबर्स उसको बेचने में लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं गोवा में क्या अंधी मची हुई है, तो ये 80% झूठ है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो आदमी बीच पे जाके स्विमिंग करेगा तो वो स्विमिंग के ही कपड़े पहनेगा, अगर मेल है तो वो मेल स्विमिंग के कॉस्ट्यूम पहनेगा, फीमेल है तो वो फीमेल के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनेगी, सिंपल सी बात है। अब हम लोग इतने संकुचित मानसिकता के कि हम लोग उसको अंग प्रदर्शन के तौर पे देखते हैं, वो अंग प्रदर्शन नहीं है। बाकी बचा कुचा गोवा को एक तो यूट्यूबर बहुत तेज़ी से बदनाम कर रहे हैं, बहुत ख़राब कर रहे, गलत गलत थंबनेल लगा करके ना बहुत ख़राब कर रहे हैं यूट्यूब वाले जो यूट्यूबर है गोवा को। दूसरा बचा कुचा फिल्मों ने बहुत बदनाम कर दिया, जैसे पता नहीं ड्रग्स का अड्डा है, अरे क्या हम ये मान लें कि दिल्ली में कोई ड्रग्स एडिक्ट नहीं होगा, पंजाब में कोई ड्रग्स एडिक्ट नहीं होगा, या दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हम मान लें कि कभी कोई ड्रग्स नहीं पीता होगा, जैसे चोरी छिपे छुप छुप के वहाँ ड्रग्स बिक जाती है और मिल जाती है पीने वाले को, सेम वही कॉन्सेप्ट है। गोवा में कोई परचून की दुकान पर ड्रग्स नहीं बिकती है, गोवा को लोगों ने पता नहीं ड्रग्स का अड्डा समझा दिया, बॉलीवुड ने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है, यूट्यूबर्स ने इतना ख़राब कर दिया है, वो बीच बिकनी पार्टी डिस्को, अरे पार्टी चल रही है क्या गुड़गांव के अंदर, इतने सारे पब है इतने सारे डिस्को है, तो वहाँ पे क्या डिस्को में नहीं होता ये सब, तो मतलब आप इंडियंस हो तो आपको इंडिया के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर आप इंडिया में जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के प्रति एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप जिस सिटी में रहते हो फिर जिस मोहल्ले में रहते हो जिस घर में रहते हो, हम क्या करते हैं हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर तक है उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में। तो जो भी इस तरह के थंबनेल देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गोवा में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आ जाओगे बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहोगे, कॉन्फिडेंस होता है, आप जाओ उनसे मिलो बात करो, वो आपसे बात करेंगे, आप पूछो उनसे वेयर आर यू फ्रॉम, वो अपनी कंट्री का नाम बताते हैं, बड़े ढंग से बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, पर अगर आप जाके उनको घूर रहे हो उनकी ड्रेस के हिसाब से उनको जज कर रहे हो तो वो भी वो कहते देखते रहो तुम्हें क्या फ़र्क, वो इसीलिए वो हमसे आगे है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ शायद कुछ यूट्यूबर्स के समझ में आए और वो अपने थंबनेल में थोड़ी सी, क्योंकि बात खाली गोवा की नहीं है, इससे गोवा की लोकल्स की इमेज भी ख़राब हो रही है, उनको भी मतलब एक गोवा को गलत नज़र से देखा जा रहा है, गोवा में
सिर्फ बीच बियर पार्टी नहीं है, गोवा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गोवा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, मौलेम है, महावीर वाइल्ड सेंचुरी है, कई बर्ड सेंचुरी है, ओल्ड गोवा है, दूध सागर वाटरफॉल है, कई सारे फोर्ट है, बहुत खूबसूरत व्यू है, पर हमें दिख रहा है कसिनो, बीच, बियर पार्टी, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले थंबनेल, कुछ नहीं है यहाँ पे। पागलों की तरह आकर के धूप में घूमोगे, सड़कों किनारे बैठ के बियर पियोगे और चले जाओगे, फिर अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वहाँ जाकर के और झूठ बड़ा चला के बोलोगे, फिर आपके इस झूठ की वजह से चार लड़के और सोचेंगे कि अब हम भी गोवा जाएंगे ऐश करने। कोई ऐश वैश नहीं हो रही। गोवा एक ऐसा एरिया है, स्टेट है, जहाँ पर रेड लाइट एरिया नहीं है। दिल्ली में है, मुंबई में है, बहुत सारी जगहों पर होगा, पर गोवा के अंदर रेड लाइट एरिया नहीं है कोई। सोचो आप गोवा को क्या सोचते हो। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आई तो बढ़िया है, नहीं तो गुड बाय। दोस्तों, ये फ्रेम आपको दिखता होगा मेरे वीडियो के पीछे, जब मैं वीडियो में यहाँ बैठ करके बातें करता हूँ, अपना वीडियो बनाता हूँ, तो आपको ये फ्रेम दिखता होगा पीछे, ये नज़ारा। ये एक पेड़ टेढ़ा है, ये मेरा ट्राइपॉड, ये सामने चपोरा फोर्ट में अभी सनसेट होने वाला है, आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा। अभी जैसे लेफ्ट साइड में सनसेट हो रहा है, अब ये उत्तरायण में आया है सूर्य, तो ये धीरे 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 यहाँ पे बिल्कुल बीच में समुंदर, ये जो अरेबियन सी है इसके बीच में सनसेट होगा। सनसेट तो अभी भी उधर हो रहा है, पर इधर से देखोगे तो चपोरा फोर्ट के लेफ्ट में हो रहा है। 3 महीने बाद ये, 2-2.5 महीने बाद ये राइट में बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। बस इसी तरीके से ये अपना काम करता रहता है। ये पहाड़ पे चढ़ना है, एक दिन एक वीडियो में इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के भी बनाऊंगा, मतलब चढ़ते हुए का बनाऊंगा। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय।